बीजेपी के सांसद संगम लाल गुप्ता मेरे साथ हैं। गुप्ता जी, आपने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, लखनऊ का नाम बदलना चाहते हैं, क्या नाम रखना चाहते हैं और क्यों? ये हमारी खोई हुई विरासत, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए तो उन्होंने लखनऊ को विरासत में दिया था लक्ष्मण जी को, और उस समय 18वीं सदी में वो लखनपुर और लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। मुगलों ने उसका नाम चेंज कर उसको नवाबों का शहर, उसको लखनऊ बना दिया। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी धरोहर है, अगर हम भगवान प्रभु श्री राम का इतना भव्य मंदिर निर्माण कर रहे हैं तो भगवान प्रभु श्री राम के साथ लक्ष्मण जी भी 14 बरस वनवास किए, तो उनका भी धरोहर वापिस आना चाहिए, उनके नाम से लखनऊ जाना जाना चाहिए। मुगलों का जो कहीं ना कहीं चिन्ह है वो खत्म करना है मकसद। देखिए, आज हम अमृत काल में प्रवेश किए हैं और अब हम नहीं चाहते हैं कि हम अंग्रेजों की गुलामी और मुगलों की याद हम अपने और आगे आने वाली पीढ़ी को याद कराएं। इसके लिए उसको परिवर्तित करके जो हमारी संस्कृति और जो हमारे सनातन धर्म के नाम थे उसको वापस रखा जाए, ये मांग हमने माननीय देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से किया है। लखनऊ में कई जगहों पे देखा गया है कि एयरपोर्ट के पास भी लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगी है और शहर में भी लग गया, क्या उस ओर बढ़ रहे हैं आप लोग? देखिए भाई, लखनऊ लखन और लक्ष्मणपुर के ही नाम से जाना जाता था, 18वीं सदी में उसको चेंज किया गया, मुगलों ने उसको परिवर्तित किया, जिस तरीके से अयोध्या का नाम परिवर्तित करके फैजाबाद किया गया था, प्रयागराज का नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद किया गया था, इसी तरीके से कई सारे मुगल शासक ने बहुत सारे हमारे सनातन धर्म के जो नाम थे उसको परिवर्तित कर दिया था, बहुत सारी हमारी जो मंदिरें थी उस पर उन्होंने मस्जिद बनाने का काम किया था। तो क्या आज भी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को उस गुलामी की दास्तां बताते रहेंगे? तो नाम बदला ही जाना चाहिए, बिल्कुल बदला जाना चाहिए, उसमें किसी का विरोध भी नहीं होना चाहिए। शुक्रिया आपका। कुमार गौरव, News24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।